जिस तरह शाहरुख खान का 4 साल के बाद बॉलीवुड में कमबैक हुआ था, उसी तरह सलमान भाईजान की फिल्म 4 साल के बाद ईद पर रिलीज हो रही है। सलमान भाईजान 4 साल के बाद बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने के लिए रेडी है और गाइस ट्रेलर रिलीज होते ही पूरे इंडिया में तहलका मच गया है। इस मूवी का हाइप इतना ज्यादा बढ़ गया है कि फैंस इस मूवी को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं। इस मूवी का बड़ा बड़ा सेलिब्रेशन किया जा रहा है, इस मूवी के बड़े बड़े पोस्टर लगाए जा रहे हैं, पूरे इंडिया में इस मूवी का तहलका मच चुका है। और गाइस इस वीडियो में आपको लाइव दिखाने वाला हूँ सेलिब्रेशन। अगर आप इस वीडियो को दिल से लाइक कर दोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, आपका बढ़िया धमन होगा। अगर बात करें 2019 को रिलीज हुई थी भारत, जिसने पहले दिन 42 करोड़ का ओपनिंग लिया था। एंड इसके बाद सुल्तान 2016 को रिलीज हुई थी, एकता टाइगर 2012 को रिलीज हुई थी। एंड गाइस सलमान भाईजान पूरे 3 साल 9 मंथ मान लो 1385 डेज के बाद बॉक्स ऑफिस पर ईद के ऊपर आपको रिलीज करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात करें किसका भाई किसी को जान लेके कई सिनेमा हॉल्स के मालिक अपने सिनेमा हॉल्स के आगे बड़े बड़े पोस्टर लगा रखे हैं और गाइस इस मूवी का जो सेलिब्रेशन अनबिलीवेबल रहने वाला है। और गाइस मूवी 100% सुपरहिट रहने वाली है, आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बताओ ये मूवी सुपरहिट होगी, फ्लॉप होगी या ब्लॉकबास्टर होगी। अगर आप लोग सलमान खान को दिल से प्यार करते हो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। गाइस किसी का भाई किसी की जान को लेकर एडवांस बुकिंग को लेकर बहुत बड़ी लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है जो आपके साथ वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। एंड यहाँ पर रिलीज से पहले किसी का भाई किसी की जान ने अपने OTT राइट्स जो है सेल आउट कर दिए हैं G5 को। गाइस अगर बात करें हर की विदेशों में ओवरसीज विदेशों में जो किसी का भाई किसी की एडवांस बुकिंग ओपन कर दी गई है और इंडिया में 17 अप्रैल को जो बड़े बड़े सिनेमा हॉल्स वहाँ पर ओपन होगी और 18 अप्रैल को पूरे इंडिया ऑल इंडिया में किसी का भाई किसी की जान की एडवांस बुकिंग ओपन हो जाएगी। बुक माई शो पे किसी का भाई किसी की जान की एडवांस बुकिंग को लेकर 60,000 लोग इसमें एडवांस बुकिंग के काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और इस मूवी को रिलीज होने में केवल 7 दिन का टाइम बाकी है। जिसकर बात करें ओवरसीज गाइस में 24 मिनट्स के अंदर सिनेमा हॉल बुक हो चुका था ऑस्ट्रेलिया में। जी हाँ गाइज सलमान भाईजान का जो हाइप है वो ओवरसीज ग्रास में बाहर के विदेशों में काफ़ी बढ़िया है। तो किसी का भाई किसी की जान बाहर के विदेशों में पठान की तरह काफ़ी बड़ा कलेक्शन करने वाली है। पठान मूवी ने ओवरसीज ग्रास में बाहर के विदेशों में 19 दिन के अंदर $47 मिलियन कमाए थे। क्या किसी का भाई किसी की जान अपने रिलीज के 15 से 20 या 50 दिनों के अंदर अंदर भी पठान मूवी के $47 मिलियन के रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी? और किसी अगर बात करें नेक्स्ट क्वार्टर में किसी का भाई किसी की जान जवान आदिशपुर अजय देवगन की नेक्स्ट मूवी मैदान आने वाली है। इन चारों में से आपकी फेवरेट मूवी कौन सी कॉमेंट सेक्शन में बताना। शाहरुख खान की नेक्स्ट मूवी जवान रिलीज हो रही 2 जून को, आदिशपुर मूवी रिलीज हो रही 16 जून को। यानी किसी अगर बात करें किसी का भाई किसी की जान 100% काफ़ी बढ़िया कलेक्शन करती हमको नजर आएगी। ये मूवी अपने पहले दिन 100% वर्ल्ड वाइड से 100 करोड़ से ज़्यादा का ओपनिंग ले सकती है। गाइस इस वीडियो को दिल से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस चैनल पर आपको सारा बॉक्स ऑफिस मिलेगा।